प्रदेश में पर्यटन नीति में बदलाव को लेकर सांसद शांता कुमार द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार विचार करेगी, यह संकेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए हैं। शांता कुमार के निवास स्थान पर दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब एक घंटा बातचीत हुई। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और यह शांता कुमार का प्रिय विषय है। उन्होंने कहा कि इन पहलुओं पर काम शुरू किया गया है और जल्द ही इसको अमल में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के साथ निजी निवेशकों को भी प्रोत्साहन करने के लिए काम किया जाएगा। स्थानांतरण को लेकर कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री की ओर से आए बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के मुकाबले भाजपा के समय में काफी कम तबादले हुए हैं। सरकार बनती है तो स्थानांतरण होते हैं, फिलहाल सरकार ने तबादलों पर रोक लगाई है। जिलों के गठन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी बहुत से विषय हैं जिन पर काम किया जाना है और सरकार किसी किस्म की जल्दबाजी में नहीं है। पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इस पर विचार किया जाएगा। आधा शताब्दी होने को है, हिमाचल में जिलों का पुनर्गठन नहीं हो पाया, क्या सरकार इस दिशा में विचार कर रही है? अभी मुझे बहुत सारे काम और करने को है, मैं उन पर काम करने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारे विषय ध्यान में है, समय के साथ सारी बातें होंगी। सरकार अभी अभी, अभी 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 जल्दबाजी में नहीं है किसी काम के लिए। सर, पर्यटन को लेकर पूरे देश में मोदी जी ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने की बात है, हिमाचल पर्यटन की दृष्टि से बहुत सी संभावनाएं यहां पे हैं। कल शांता जी की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई है, शांता जी ने सुझाव दिए हैं पर्यटन नीति को लेकर, कुछ बदलाव को लेकर क्या सरकार करने जा रही है? निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं पर्यटन की, और उन संभावनाओं को हम किस प्रकार से जमीन पर उतार सकें उसके लिए सब लोगों से हम सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। और आदरणीय शांता कुमार जी का बहुत प्रिय विषय ही है और देश दुनिया ने देखी है, और साथ साथ में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें इनके दिमाग में हमेशा रहती हैं, कुछ नयापन, कुछ नई चीजें की जाए। उस दृष्टि से कल अधिकारियों को कहा था हमने कि भी आप बैठ करके चर्चा कर लीजिए और इनका मार्गदर्शन दे करके जो भी चीजें करने की हैं उस दृष्टि से आप काम करने की कोशिश। निवेश ढील दी जाएगी? देखिए, निवेशक आए, ढील देने की कहीं जरूरत होगी, विचार करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आए और पर्यटक को लाने के लिए सरकारी क्षेत्र के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर जो है यहां पर आए, उसके लिए हम निश्चित रूप से एक नई नीति के लिए हमने कहा है और उसके लिए उसका प्रोसेस लगभग शुरू हो गया, और उस दृष्टि से क्या क्या चीजें होंगी मुझे लगता है कि आज कहने की आवश्यकता नहीं है, जब बनेंगी तैयार होकर के तब कहेंगे। शांता कुमार जी, देर ये तो पार्टी तय करती है भाई। सर सर सर, स्थानांतरण को लेकर बहुत सा हल्ला हो रहा है जी, स्थानांतरण को लेकर बहुत सा हल्ला हो रहा है। मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा है कि सरकार हमारी न सुने, अपने नेता की बात सुने। कल उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने उनका रेफरेंस शांता कुमार जी को था, क्या कहना? अब हमने स्थानांतरण पर पूर्ण रूप से रोक लगाया है। अभी कैबिनेट की मीटिंग में, हालांकि पहले भी हमने काफी कम हमने निर्णय किया था कैबिनेट का, लेकिन उसके बाद शुरू का दौर हमने कहा कि जब सरकार बनती है कुछ स्थानांतरण होते हैं, कुछ को सजा बतौर कर भेजा हुआ था, स्वाभाविक है उनकी इच्छा होती है कि सरकार आई है तो जो सजा है उनकी सजा खत्म हो, और उस दृष्टि से प्रशासनिक परिवर्तन किए जाते हैं, वो किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आंकड़ा निकालेंगे, कांग्रेस की 3 महीने की जो ट्रांसफर का आंकड़ा हमसे कई गुना ज्यादा है, लगभग 2 गुना से ज्यादा है, मैं उसका भी मुकाबला करने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि वो दौर हो गया, अब सेटल्ड है, अब ट्रांसफर पर प्रतिबंध है। सर, नगर निगम पालमपुर को बनाने का एक बहुत पुराना मुद्दा है, उस पर क्या सरकार विचार कर रही है? आने वाले समय में करेंगे विचार, अभी तो नहीं।